स्टडी आई क्यू अब तैयारी हुई अफोर्डेबल नमस्कार दोस्तों स्टडी आई देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी आज के इस एपिसोड में आपको कहानी सुनाने वाले हैं भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट की ये वो सैटेलाइट और ये वो कदम था भारत के स्पेस प्रोग्राम का जब भारत के इतिहास में एक सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट जैसे कहते हैं भारत के लिए वो दर्ज हुआ कैसे ये पूरा जो आर्यभट्ट की सैटेलाइट थी जो हमारी पहली सैटेलाइट थी उसे लॉन्च किया गया क्या उसके पीछे की कहानी थी ये आपको बताएंगे साथ में ये वो स्टेप था जब भारत ने हिंदुस्तान ने दुनिया के विकसित देशों के बीच अपना कदम रखा था कैसे इस सैटेलाइट के जो आर्किटेक्ट जिन्हें कहा जाता है उदपी रामचंद्र राव यू आर राव उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा किस तरह से उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा हमारे रिसर्चर्स को हमारे इंजीनियर्स को ये भी आज आपको पता चलने वाला है और साथ में कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ ऐसी पता चलेंगी जो आपको पता चलेगा कि कैसे अचानक से सोवियत यूनियन जो था सोवियत संघ जो था वो बीच में आके अचानक से भारत की मदद करने के लिए तैयार हो गया था तो ऐसा क्यों हुआ था क्या स्ट्रगल करना पड़ा हमारे वैज्ञानिकों को इसरो को इनको उस पार्क को ये सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है भारत का इतिहास आज आपको पता चलने वाला है इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स का ये आपके यू पी एस के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की तो शुरुआत होती है 1932 1932 से साल था 1932 10 मार्च के दिन कर्नाटका के उदुपी में उदुपी जिले के अदामार गांव में एक व्यक्ति का जन्म होता है लक्ष्मी नारायण आचार्य और कृष्णवेणी अम्मा के घर पे ये व्यक्ति थे जिनका जन्म हुआ था इस दिन इनका नाम था उदुपी रामचंद्र राव यू आर राव स्कूलिंग जो उनकी शुरुआती जो शिक्षा थी वो गाँव के स्कूल से ही हुई इसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद 1952 में 1952 में मद्रास यूनिवर्सिटी चले जाते हैं बीएससी की पढ़ाई करने के लिए इसके दो साल बाद ही पहुंचे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वहां से अपनी एमएससी की फ़िज़िक्स में और इसके साथ ही उन्होंने इसके बाद अपना पीएचडी करने के लिए पहुंच जाते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी गुजरात यूनिवर्सिटी को यहाँ पर जब ज्वाइन किया था उन्नीस में तो ये वो साल था जब उनकी मुलाकात होती है यू आर राव की उनका पहली बार मिलना हुआ था एक ऐसे शख्स से जिन्हें आज हम भारत के स्पेस प्रोग्राम का इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का नक कहते हैं द फादर ऑफ़ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम सारा भाई डॉक्टर विक्रम सारा भाई से उनकी मुलाकात होती है यू आर राव की उनके गाइडेंस में ही अपनी पी कर रहे थे पी करने के बाद में यू आर राव विदेश चले जाते हैं विदेश जाते हैं और वहाँ पर एज अ फैकल्टी काम करना शुरू करते हैं एम में एम में काम करते हैं फैकल्टी के तौर पर उसके बाद में वो फैकल्टी बन जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इस समय ये विदेश में काम कर रहे थे इसी बीच में भारत में क्या चल रहा था कि क्योंकि भारत आज़ाद हो चुका था सन सैंतालीस में और आज़ादी के बाद ही अगले ही साल 1948 में भारत ने अपना इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो था उसको उसकी शुरुआत कर दी थी एटॉमिक एनर्जी की शुरुआत यहाँ पे कमीशन की शुरुआत भारत करता है भारत उस समय परमाणु ऊर्जा के लिए काम करना अपना शुरू कर चुका था लेकिन अभी भी जो स्पेस रिसर्च जो था वो अभी हमसे दूर था इसी बीच में भारत में उस वक्त कई और चीज़ों पर भी कई और सेक्टर्स में काम चल रहा था डिफेंस में हम काम कर रहे थे स्पेस के लिए काम कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा था और इसी इन्हीं सबके बीच में स्पेस पर सबसे ज़्यादा काम जो भारत के अंदर कर रहे थे वो थे डॉक्टर विक्रम सारा भाई डॉक्टर विक्रम सारा भाई अपना काम शुरू कर चुके थे और ये वो साठ का दशक था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन जो थे वो अपनी स्पेस प्रोग्राम की जो रेस थी वो उन दोनों के बीच में लगी हुई थी लगातार दुनिया के कई बड़े और देश भी स्पेस प्रोग्राम में काम कर रहे थे और इस बीच में भारत जो था वो अपने रॉकेट लॉन्च की टेस्टिंग कर रहा था रॉकेट लॉन्च की टेस्टिंग कर रहा था और सिर्फ यही नहीं हमने पचपन किलोमीटर दूर ऊंचाई तक एक रॉकेट जो था उसको भेजने में हम सफल भी हो चुके थे इस समय तक ये वो दौर था साल 1962 1962 आता है विक्रम सारा भाई ने प्रधानमंत्री उस समय जो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू उनके मार्गदर्शन में और नेहरू सरकार ने भी इसमें एक बड़ा स्टेप उनका एक बड़ा उनका कदम रहा था तो विक्रम सारा भाई के नेतृत्व में यहाँ पर फॉर्म किया जाता है बनाया जाता है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार नाइनटीन सिक्सटी में यहाँ पर इनकोसपार बनता है और इसी के अगले ही साल बताया जाता है 21 नवंबर 1963 को ये वो दिन था जब केरला के थुम्बा से थुम्बा इक्वेटोरियल जो प्लांट था वहाँ से भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया पहला रॉकेट लॉन्च होता है और इसी के साथ मॉडर्न स्पेस एज की एक बाकी देशों की रेस में भारत ने भी अपना पहला यहाँ पर कदम रख दिया था अब हम यहाँ पर एक रॉकेट अपना पहला लॉन्च कर चुके थे साउंडिंग रॉकेट लेकिन इसी के तीन साल बाद क्या होता है 1966 में यू आर राव जो कि भारत की तरफ से इस समय बाहर विदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में काम कर रहे थे काफ़ी सारा वो नासा के साथ भी काम कर चुके थे स्पेस रिसर्च में तो यू आर राव जो थे वो भारत वापस आते हैं सन छियासठ में भारत वापस आए और इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर भारत के अंदर अहमदाबाद में फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी पी आर एल में काम करना शुरू किया प्रोफेसर के तौर पर वो यहाँ काम करना शुरू करते हैं और एक बार फिर से यू आर राव की मुलाकात होती है डॉक्टर विक्रम सारा भाई से उनके गाइडेंस में उनके नेतृत्व में उनके अंडर एक साथ एक बार फिर से वो यहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं दो साल बाद करीबन क्योंकि इस बीच में क्या था कि विक्रम सारा भाई भारत के अंदर स्पेस के ऊपर कई सारा काम कर रहे थे उनका दौरा बाहर भी होता था विदेशों में नासा का दौरा वो करके आते थे सोवियत संघ संघ का भी जो स्पेस रिसर्च का इवेंट था वहाँ पर भी जाके वो दौरा करके आए थे तो जब वो नासा गए थे तो यहाँ पर यू की तरफ से उनको एक तरह से आश्वासन मिला था कि हम आपकी जो पहली सैटेलाइट अगर आप उस पर काम करना चाहते हैं तो हम आपकी वहाँ पर मदद करेंगे लेकिन ये एक लागत हमें यूएस को यहाँ पे देनी पड़ती ये उस तरह से यहाँ पे काम होता विक्रम साराभाई नासा का भी दौरा करके आए थे करीबन इन दो साल के बाद ही 1968 जब आता है विक्रम साराभाई ने हाँ जो अहमदाबाद की जो पी आर एल था फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी वहाँ पर यू आ राव जिनको वो जानते थे कि ये नासा में और पहले भी विदेश में कई सारा काम करके आए हैं उन्हें एक बड़ा टास्क देते हैं विक्रम सारा भाई ने यू आ राव को एक सैटेलाइट मिशन को लीड करने का टास्क दिया एक चैलेंज दिया भारत की पहली सैटेलाइट को बनाने का टास्क दिया हुआ क्या था विक्रम सारा भाई ने यहाँ पे पीआरएल के जो अहमदाबाद की पीआरएल है वहाँ से 25 इंजीनियर्स और रिसर्चर्स की एक पूरी टीम बनाई और उसको लीड करने का मौका दिया युवा राव को यहाँ पे इस टीम को फॉर्म किया जाता है और इसके बाद में इस टीम के साथ ही फॉर्म कर दिया जाता है एक ऐसी डिवीज़न को जिसका नाम था एस सैटेलाइट सिस्टम डिवीज़न इस डिवीज़न को फॉर्म किया जाता है जिनका इनिशियल प्लान जो था इन लोगों का वो ये था कि एक सेटेलाइट बनाई जाएगी जिसका वजन होगा करीबन सौ किलोग्राम 100 के जी की करीबन एक सेटेलाइट बनेगी उसको डिज़ाइन किया जाएगा और यहाँ पे हम उसको लॉन्च करेंगे क्योंकि भारत के पास इस समय मुश्किल ये थी कि हमारे पास अपना कोई लॉन्च व्हीकल नहीं था हम सेटेलाइट बना सकते हैं लेकिन कोई लॉन्च व्हीकल हमारे पास में नहीं था तो यहाँ पर मदद ली गई थी यूएस से यू के यहाँ पर स्काउट लॉन्च व्हीकल से हम इसको अपनी पहली सैटेलाइट को यहाँ पर लॉन्च करते हैं एक मल्टी स्टेज रॉकेट प्रोग्राम एक तरह से ये होता भारत के लिए ये रिलायबल भी था और अफोर्डेबल भी था लेकिन यहाँ पे ये जो सफ़र था वो इतना आसान नहीं होने वाला था दोस्तों इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक जरूरी सूचना आपको देनी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर देखिएगा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं आपके लिए स्टडी आई भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बहुत सारे कोर्सेज लेके आया है वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं बेस्ट फैकल्टी बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ में एक बार जाके अपने कोर्सेज को ज़रूर देखिएगा और वहाँ पे उन अफोर्डेबल रेट्स पर भी एक बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए आपको क्या करना है ये कोड लगाना है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वी जे लाइव ये आपका कोड है आपको इसे लगाना है वहाँ पे आप एक बहुत बड़ा डिस्काउंट पाएंगे अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे धन्यवाद तो आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ अब यहाँ पे हम एक सैटेलाइट बनाना शुरू करने वाले थे लेकिन समस्या ये थी कि हमारे पास कोई लॉन्च व्हीकल नहीं था यूएस हमें यहाँ पर हेल्प करने वाला था लेकिन सैटलाइट को बनाएँ कैसे हमारे पास में उस तरह के लोग नहीं थे उस तरह की मशीनरी उस तरह की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी तो सवाल बड़ा ये था कि यहाँ पर हमें बहुत सारा यहाँ पर अप करने करना पड़ेगा क्योंकि हम एक स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं ज़ीरो से हम यहाँ पे शून्य से शुरुआत करने वाले हैं लेकिन हमारी जो टीम थी जो यू आर राव की जो एक तरह से उनके नेतृत्व में यहाँ पे काम कर रही थी वो हार नहीं मानने वाले थे क्योंकि उन्हें हमेशा से ये याद था और उनके जहन में हमेशा ये बात रहती थी जो कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा कहा करते थे होमी जहांगीर बाबा हमेशा ये कहा करते थे अगर आप सुविधाओं का वेट करेंगे अगर आप सुविधाओं का इंतज़ार करोगे तो आप कभी भी काम शुरू ही नहीं कर पाओगे जिस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये टीम अपने काम को शुरू करती है जो सर युवा राव थे उन्होंने ये देखा कि हमारे पास ना तो इस समय कोई जगह है जहाँ पे हम सेटेलाइट को बनाना शुरू कर पाएं ना ही हमारे पास उस तरह के अभी लोग हैं कोई भी ये जानता नहीं है यहाँ पे भारत में कि सेटेलाइट को बनाया कैसे जाए इसकी शुरुआत करनी थी तो यहाँ पे उस टीम को स्क्रैच से शुरुआत करनी थी और इसके लिए सर यु आर राव जो थे वो पहुँच जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आई आई एस सी आई आई एस सी यहाँ पर पहुँचते हैं उसके डायरेक्टर से मिलते हैं आईएससी के डायरेक्टर से जब मिले उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे देश भर में अलग अलग जगह विदेशों में अलग अलग जगह अपने साइंटिस्ट अपने रिसर्स रिसर्चर्स भेजते हैं इंजीनियर्स को भेजते हैं आप मुझे भी एक टीम दीजिए कुछ मैं यहाँ से लोग लेना चाहता हूँ जो कि इस टास्क में इस मिशन में सेटेलाइट मिशन में भारत के पहले मेरी मदद कर पाएँ यहाँ पर डायरेक्टर से उन्हें हरी झंडी मिलती है उसके बाद वो कुछ यंग स्टूडेंट्स जो थे उन्हें यहाँ से सिलेक्ट करते हैं आई से और यहाँ पर उनको ट्रेन करना शुरू करते हैं इसी बीच में क्या हुआ कि अगले ही साल पंद्रह अगस्त नाइनटीन को जो इनकोस पार था जिसको बनाया गया था विक्रम साराभाई द्वारा जवाहरलाल नेहरू के आ, सरकार के दौरान ये जो इनकोस पार था यहाँ पे उसे उसको सुपरसीड वो कर देता है और उसका नाम रख दिया जाता है यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो यहाँ पे इसरो बनता है इसरो को फॉर्म किया जाता है उसके चेयरमैन बनाए जाते हैं विक्रम सारा पहले चेयरमैन बने इसी के साथ अब ये जो टीम थी वो अपना काम करना शुरू करती है सेटेलाइट को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं अभी तक ये था कि ये जो सेटेलाइट होगी उसको अमेरिकन स्काउट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा लेकिन इसी बीच में हुआ क्या कि सोवियत यूनियन में भारत के जो एम्बेसडर थे उनका अचानक से फ़ोन पहुंचता है उनका अचानक से फ़ोन हमारी प्रधानमंत्री उस समय पे थी इंदिरा गांधी उनके पास में पहुंच जाता है मॉस्को में जो भारत के राजदूत थे डीपी धर जिनकी बात की जा रही है उनका यहाँ पे जून के महीने में 1971 में कॉल पहुंचता है इंदिरा गांधी के पास अब वो इंदिरा गांधी से ये कहते हैं कि सोवियत यूनियन जो है वो भारत की मदद करना चाहता है उसकी पहली सैटेलाइट लॉन्च करने में यहाँ पे अब क्या था उन्होंने जो बताया था इंदिरा गांधी को उन्होंने ये कहा था कि सोवियत एकेडमी ऑफ साइंसेस यहाँ पे हमें असिस्ट करना चाहता है हमारे लॉन्चिंग में हमारी पहले सेटेलाइट की इसी बात को सुनते विक्रम सारा भाई को इसकी सूचना दी जाती है और सारा भाई ने इसके बाद सीधा युवा राव से कॉन्टेक्ट किया कॉन्टेक्ट किया जाता है और एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है मीटिंग बुलाई गई यू के उसमें एम्बेसडर्स शामिल थे और साथ में हमारे भारत के रिसर्चर्स हमारे जो साइंटिस्ट थे बड़े विक्रम सारा भाई आर राव ये लोग भी उस मीटिंग में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री भी उस मीटिंग में थी मॉस्को की तरफ से जब ये राजदूत जो थे निकोलाई पेगोव उनका यहाँ पे आना होता है और इसके बाद में इस मीटिंग की शुरुआत होती है इस मीटिंग में बातचीत शुरू होती है विक्रम सारा भाई जो थे हाँ वो ब्रीफिंग अपनी देना शुरू करते हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी उसके बाद आगे का प्लान जो था वो यू आर राव ने बताया यू आ राव आगे का प्लान बताना शुरू करते हैं प्लान ये था कि एक सेटेलाइट का जो प्लान था जो भारत में बनाई जाएगी उसका एक स्ट्रक्चर था और उसके बारे में जितनी जानकारी थी वो दिखाई जाती है ज़रूरत की जानकारी सारी दिखा दी गई थी जो मॉस्को के रा, राजदूत जो उस समय निकोलाई थे उनको लेकिन इसी बीच में करीबन आधे घंटे की ये प्रेजेंटेशन चलती है और इसके साथ ही अचानक से निकोलाई जो थे सोवियत यूनियन के राजदूत मॉस्को के वो ये कहते हैं एक सवाल पूछते हैं और ये सवाल बहुत ज़्यादा अजीब था उन्होंने ये पूछा कि चाइना की जो सेटेलाइट अभी जो लॉन्च हुई है पिछले ही साल एक साल पहले ही चाइना ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी तो वो जो सेटेलाइट है चाइना की उसका वजन कितना है यहाँ पर यूआ राव उन्हें जवाब देते हैं कि उसका वज़न है 173 किलोग्राम 173 केजी इसके बाद निकोलाई जो थे जो सोवियत यूनियन के राजदूत थे वो एक शर्त रखते हैं उन्होंने एक शर्त रखी उन्होंने कहा कि और एक ऐसी शर्त थी वो जिसको सुन के एक तरह से जो विक्रम सारा भाई उस वहाँ पर मौजूद थे युवा राव मौजूद थे ये दोनों ही चौंक जाते हैं एक ऐसी शर्त निकोलाई ने रखी यहाँ पे उन्होंने कहा कि भारत की जो सैटेलाइट होगी उसका वजन जो है उसका भार जो है वेट जो है वो चीन की सेटेलाइट से ज़्यादा होना चाहिए ये उन्होंने क्यों कहा था इसको अब हम आपको बताते हैं दरअसल 24 अप्रैल 1970 सौ एक साल पहले ही चाइना ने अपने पहले सेटेलाइट को लॉन्च किया था और ये जो पहला सेटेलाइट था इसको लॉन्च करने के साथ ही चाइना पांचवा ऐसा देश बन चुका था दुनिया का जिसने अपनी सेटेलाइट को लॉन्च कर दिया था सक्सेसफुली इससे पहले सोवियत संघ सोवियत यूनियन अमेरिका जापान और फ्रांस ये लोग भी अपनी सेटेलाइट को ये देश भी अपनी सेटेलाइट को लॉन्च यहाँ पे कर चुके थे लेकिन यहाँ पे चाइना की शान इस तरह की थी उसमें उसको उसकी सेटेलाइट को बड़ा इसलिए माना जा रहा था क्योंकि चाइना का जो सेटेलाइट था वो सबसे ज़्यादा भारी था एक किलोग्राम का वो सेटेलाइट था और सोवियत संघ के जो सोवियत यूनियन था उसके सेटेलाइट से दो गुना उसका वज़न था जो सोवियत का सेटेलाइट था स्पुटनिक उसके वज़न से दो गुना उसका वज़न था इसलिए सोवियत संघ जो था उसने भारत की मदद करने की तो पेशकश की लेकिन साथ में ये भी एक शर्त रख दी कि आप अब जो सेटेलाइट बनाएंगे उसका वजन उसका वेट चाइना की सेटेलाइट से ज़्यादा होना चाहिए तो अब ये चीज़ सामने आई दरअसल सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है जो कि टसल चालू हो गया था वो नाइनटीन से ही हो गया था नाइनटीन से सोवियत संघ और चीन के बीच में रिश्तों में जो उनके दरार पड़ चुकी थी जिसे आप तीनों सोवियत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं तो ये भी शुरू हो चुका था और और 1962 में जो सीनो इंडियन वॉर हुई थी जो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था उसके बाद सोवियत ये समझ रहा था ये मान रहा था कि चीन एक तरह से भारत का आप दुश्मन है उससे दुश्मनी के रिश्ते हैं हमारे और एशिया में संतुलन शक्ति संतुलन बनाने के लिए यहाँ पे भारत एक अच्छा साथी हो सकता है तो इसकी वजह से भी सोवियत यूनियन यहाँ पे भारत की मदद करना चाह रहा था इसके बाद होता क्या है अब ये चीज़ डिसाइड हुई कि आपको जो सेटेलाइट बनानी है सोवियत उसमें आपकी मदद करेगा और बहुत ही कम दाम में करेगा अभी तक ये चीज़ थी कि इसमें आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा एक तरह से बहुत ही नेग्लेजेबल अमाउंट आपसे लिया जाएगा ये भी चीज़ यहाँ पे सामने थी इसकी वजह से भारत भी सोवियत संघ के साथ अपना झुकाव जो था उसको दर्शा रहा था यहाँ पे दिखा रहा था अब यहाँ पे क्या था कि जब ये चीज फाइनल हुई कि आपको एक ऐसी सेटेलाइट बनानी है जिसका वजन ज्यादा होना चाहिए चीन की सेटेलाइट से दो महीने बाद करीबन अगली मीटिंग की जाती है यह अगली मीटिंग हुई अगस्त नाइनटीन में मॉस्को के अंदर मॉस्को में ये जो मीटिंग हुई इसके पहले ही यू आर राव की जो टीम थी उन्होंने अपना एक सेटेलाइट का डिज़ाइन बना लिया था जो भारत की पहली सैटेलाइट होने वाली थी इसका जो वजन रखा गया था वो था 350 किलोग्राम जो कि चाइना के सेटेलाइट से दो गुना था वेट में तो यहाँ पे सोवियत संघ की बात मान ली गई थी 350 किलोग्राम की यहाँ पे हमने एक सेटेलाइट बना दी गई उसका डिज़ाइन तैयार कर दिया था यूआर राव की एक टीम जिसमें खुद यूआर राव शामिल थे और इसरो के चार और ऐसे साइंटिस्ट हुआ करते थे उन लोगों को लेके यहाँ पर मॉस्को पहुँचा जाता है मॉस्को में जो एकेडमी ऑफ साइंसेस जो थी वहाँ पे जाके एक मीटिंग की जाती है अब ये जो मीटिंग थी इसमें सोवियत संघ जो था उनकी तरफ से एक और बात सामने रखी जाती है दरअसल उन्हें ये एक तरह से भरोसा नहीं हो रहा था कि भारत जो है उसका पहला प्रोजेक्ट है और ये पहला सेटेलाइट मिशन है तीन किलोग्राम का इन्होंने वेट रखा है अपनी सेटेलाइट का क्या ये इसको बना पाएंगे या नहीं तो एक तरह से वो पूरी तरह से भरोसा कायम नहीं कर पा रहा था भारत के ऊपर तो उन्होंने भारत के युवा राव से ये कहा कि आप लोग पहले सेटेलाइट लॉन्च करने से पहले आप एक पेलोड को डिज़ाइन करें आप एक पहले पेलोड बनाइए उसको सोवियत यूनियन की सेटेलाइट के साथ में पहले लॉन्च करिए उसके बाद आगे हम आपकी सेटेलाइट के ऊपर काम करेंगे लेकिन यहाँ पे जब ये बात सामने आई इसके बाद जो हमारे यू आर राव थे विक्रम सारा भाई थे इन लोगों से ये बात की, डिस्कस की जाती है यू आर राव जो थे वो इस पर तैयार नहीं थे विक्रम सारा भाई इस पर तैयार नहीं थे क्योंकि भारत जो था वो आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और हम आत्मनिर्भर निर्भर हो भी सकते थे सेटेलाइट लॉन्च में उस समय क्योंकि हमारा स्पेस प्रोग्राम जो था वो बहुत ही शानदार काम कर रहा था हमारी टीम लगातार दिन रात कड़ी मेहनत कर रही थी तो यहाँ पे करीबन चार दिन तक बताया जाता है कि ये डिस्कशन चलता है चार दिन के डिस्कशन के बाद में यहाँ जो आपके युवा राव थे वो मुंबई में लैंड होते हैं अब उनकी फ्लाइट लैंड होती है और इसके बाद ही उन्होंने विक्रम साराभाई से एयरपोर्ट पर ही मीटिंग की एयरपोर्ट पर मीटिंग की जाती है और इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि इस इस तरह की बात हुई है चार दिन की जो डिस्कशन हुआ उसके बाद में सोवियत संघ जो है वो तो मान गया है एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च व्हीकल देगा सोवियत यूनियन भारत को हमारी सेटेलाइट लॉन्च करने के लिए तो यहाँ पे ये हमारे वैज्ञानिकों का एक तरह से खुद के ऊपर ट्रस्ट था भारत के ऊपर ट्रस्ट था कि हम ये काम कर सकते हैं अपनी पहली सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं सोवियत संघ को भी हमने मना लिया था उसके बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हमें वो लॉन्च व्हीकल देने के लिए तैयार हो गया था इसी के साथ यहाँ जो ये पूरी जो जानकारी थी मुंबई एयरपोर्ट पे यू आ राव ने विक्रम सारा भाई को दिया उसके बाद ये पहुँच जाते हैं वहाँ से दोबारा अपनी दूसरी फ्लाइट ले लेते हैं सिडनी के लिए सिडनी में दरअसल उस समय कॉस्मिक रे कॉन्फ्रेंस होनी थी तो अब ये सब चीज़ें जब सामने आती हैं इसके साथ ही क्या हुआ कि ये जो बातचीत हुई इसमें आ, मना लिया गया था सोवियत संघ को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को और फैसिलिटीज़ को एक बार देखने के लिए सोवियत संघ के कुछ साइंटिस्ट भारत आने वाले थे उसका दौरा करने वाले थे और ये चीज़ जो हो रही थी वो अगस्त 1971 में हो रही थी 1971 में हो रही थी कुछ ही महीनों के बाद में जो सोवियत के साइंटिस्ट थे वो एक बार भारत की फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए अब भारत आने वाले थे तो अब यहाँ पर हम सोवियत यूनियन को मना चुके थे और हम अपनी सेटेलाइट लॉन्च करने के लिए उसका उसको बनाने के लिए तैयारी शुरू करने ही वाले थे अगस्त उन्नीस में ये जो मीटिंग थी वो हुई थी फाइनल जिसमें बातचीत हो गई थी लेकिन इसी के बाद अचानक से पूरे देश को एक बड़ा झटका लगता है ये झटका इस तरह से लगा था कि जो हमारे जनक इंडियन स्पेस प्रोग्राम के विक्रम सारा भाई डॉक्टर विक्रम सारा भाई उनका आकस्मिक निधन हो जाता है उनका आकस्मिक देहांत यहाँ पे हो जाता है करीबन सिर्फ बावन साल की उनकी उम्र थी और हार्ट अटैक से उनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है दिसंबर 1971 में जैसे ही ये मृत्यु होती है उनकी विक्रम सारा भाई की जो बाकी आगे की मीटिंग्स थी वो कुछ समय के लिए डिले हो जाती हैं और विक्रम सारा की मृत्यु जो थी वो एक तरह से सस्पिशियन सस्पिशियस बन चुकी थी एक तरह से उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि वो पूरी तरह से स्वस्थ हुआ करते थे वो पूरी तरह से स्वस्थ थे उनको हार्ट अटैक अचानक से आया था बावन साल की उम्र में तो लोगों को इसमें ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है क्योंकि कुछ ही साल पहले ही जो भारत के एक तरह से कहा जाए कि होमी जहांगीर बाबा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट उनका भी रहस्यमय इस परिस्थितियों में निधन हो गया था उनकी भी यहाँ पे मौत हो चुकी थी अब विक्रम साराभाई जो थे वो उस समय पे जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन था भारत का उसको हेड कर रहे थे कुछ साल पहले ही यहाँ पे रेस में मृत्यु बाबा की भी हुई थी जो हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे तो यहाँ पे सवाल उठे कि उनका पोस्टमार्टम कराया जाए विक्रम सारा भाई का लेकिन उनके जो परिवार थे के सदस्य थे उन लोगों ने यहाँ पे मना कर दिया पोस्टमार्टम कराने से और इसके बाद जो कई सारे कयास लगाए जा रहे थे वो सिर्फ कयास बनकर रह गए विक्रम सारा भाई मृत्यु के बाद थोड़ी दिनों के लिए जो कुछ समय के लिए जो हमारा स्पेस प्रोग्राम था जो हमारा मिशन था सेटेलाइट मिशन वो थम जाता है रुक जाता है लेकिन इसके बाद इंत्रिम चीफ बनाया गया इसरो का इंतरिम हेड बनाया गया एम जी के मैनन को एम जी के मैनन को यहाँ पे इसरो का इंतरिम चीफ बनाया जाता है और उसके बाद फाइनली फरवरी 1972 करीबन दो महीने बाद एक मीटिंग की जाती है त्रिवेंद्रम में त्रिवेंद्रम में ये मीटिंग की गई थी जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शामिल थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहाँ पर युवा राव और एम के जी मैनन जो थे एम जी के मैनन जो थे चेयरमैन इसरो के उनसे इस मिशन के लिए उसको फाइनली अप्रूव करने के लिए उनसे कई सारे सवाल पूछे उनसे पूछा कि हमें इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आप इसको जस्टिफाई करिए ये हमारा किस तरह से एक ऐसा मौका है जिसे हम छोड़ नहीं सकते आप ये जस्टिफाई करिए तब यहाँ यू आर राव ने इनिशिएट लिया कदम उठाया और उन्होंने ये पूरी तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया पी इंदिरा गांधी को कि हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है उन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाई कई सारी सेटलाइट की मदद से जो हम आगे काम कर सकते हैं इस तरह के मॉड्यूल्स उन्हें दिखाए पी को कि जब भारत का जो आम जीवन शैली है उसको कितना ज़्यादा ये चेंज कर देगा तो ये भी यहाँ पे उन्होंने दिखाया बताया जाता है कि यू आर राव ने उस समय पे जो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम था हमारे पास साइट प्रोग्राम उसकी मदद से यहाँ पे हमारे पास क्योंकि उन्होंने कैमराज लगाए हुए थे तो एक ऐसे प्रोग्राम की मदद से उन्होंने कोकोनट ट्रीज़ के ऊपर केरला के वहाँ पर उस कैमराज को ऊपर वहाँ पर उस मशीन को चलाया उसके बाद में पंजाब और हरियाणा की जो फसलें थी जो खेती खेत थे उनके ऊपर से उस पूरे सेटेलाइट को जो व्हीकल था जो छोटा एक व्हीकल था उसको जब निकाल के वहाँ से साइट प्रोग्राम के मदद से इन चीज़ों को दिखाया तब उन्होंने ये बताया कि आप ये देख रही हैं कि जो कोकोनट के ट्रीज़ हैं जो प्लांट हैं या जो फसलें हैं उनमें जो डिज़ीज प्लांट्स हैं जो डिजीज फसलें हैं जिनमें कीड़े लग चुके हैं वो आपको यहाँ पे लाइट पिंक कलर से दिख रहे हैं और जो प्रॉपर स्वस्थ फसलें हैं या जो स्वस्थ पेड़ हैं वो यहाँ पे डार्क पिंक कलर से दिख रहे हैं तो ये ऐसे कई सारे काम उन्होंने और भी कई तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ऐसे उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स दिखाए मॉड्यूल्स दिखाए तो ये जब चीज़ें इंदिरा गांधी ने देखी तो उन्होंने कहा कि ये सब हम एक हेलीकॉप्टर की मदद से नहीं कर सकते हर बार इसलिए हमें यहाँ पर हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंट्री को सेटेलाइट की और कई सारे हमारे स्पेस प्रोग्राम्स के ऐसी ऐसे मिशन को आगे बढ़ाने की इसी के साथ यहाँ पे इंदिरा गांधी को कन्विंस कर लिया जाता है यू आर राव के द्वारा इंदिरा गांधी ने बजट पूछा कि बजट आपको कितना चाहिए इस पूरे मिशन के लिए सेटेलाइट मिशन के लिए करीबन दो घंटे का बताते हैं समय लिया यू आर राह ने उसके बाद उन्होंने काफ़ी बड़े डिस्कशन के बाद में अपनी टीम के साथ उन्होंने जो बजट सामने रखा था वो था तीन करोड़ रुपये उस समय के हिसाब अगर आज के हिसाब से आप देखेंगे तो ये बहुत ही कम बजट है एक सेटेलाइट लॉन्च के लिए लेकिन यही वो बजट था करीबन बताते हैं थ्री पॉइंट फाइव करोड़ रुपीज़ या थ्री पॉइंट सिक्स करोड़ रुपीज़ ये बजट था जो कि हमारी पहली सैटेलाइट की लॉन्चिंग में लगा था भारत के पीएम इंदिरा गांधी ने यहाँ पे ये बजट सुनते ही क्योंकि हम उस समय भी एक तरह से इकोनॉमिकली उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं नहीं था भारत लेकिन फिर भी वो कोई भी एक रुकावट नहीं लाना चाहती थी पी इंदिरा गांधी भी भारत के सेटेलाइट लॉन्च में ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद यू आर राव की तो उन्होंने यहाँ पर इसको हरी झंडी दिखाई और उन्होंने कहा कि गो अहेड एंड साइन द एग्रीमेंट ये वर्ड थे पीएम इंदिरा गांधी के इसके साथ ही मनमोहन सिंह जो थे उस समय पे बताया जाता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे उस समय 1972 में और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भी जब वो पहली बार चीफ़ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने थे तो ये पहला प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने अप्रूव किया था इसी के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट था वो अप्रूव हो जाता है भारत से इंटरम चीफ जो थे उस समय इसरो के एम के मेनन उन्होंने अल्टीमेटली यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया सोवियत यूनियन के साथ में भारत का ये आ, ये साइन किया गया था त्रिवेंद्रम में टेंथ मई 1972 को इसको साइन किया जाता है और ये एग्रीमेंट जो था आपको बता दें इसको साइन किया गया था स्पेस कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सोवियत एकेडमी ऑफ साइंसेज तो यहाँ पे जब इस एग्रीमेंट को फाइनली साइन कर दिया गया जिसमें सोवियत यूनियन भारत को फ्री ऑफ कॉस्ट सोवियत जो स्पेस uh, uh, जो लॉन्च व्हीकल है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला था फाइनली हमारा ये जो मिशन था उसके लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है तो अब जब यहाँ पे एग्रीमेंट हमारा साइन हो जाता है सोवियत यूनियन के साथ भारत का इसके बाद जो अंतरिम चीफ थे इसरो के एम जी के मेनन उनके बाद बनाया जाता है इसरो का चीफ सतीश धवन को डॉक्टर सतीश धवन जी को यहाँ पे इसरो का हेड बनाया गया इस समय तक जो टीम थी वो एस एस टी सी में त्रिवेंद्रम के अंदर वहाँ पे काम कर रही थी जब तक ये प्रोजेक्ट अब शुरू नहीं हुआ था फाइनली अब इस प्रोजेक्ट को शुरू करना था 1972 में जब ये शुरू हुआ अप्रूवल के बाद तो इस टीम के लिए अब यहाँ पे यू आर राव ने सतीश धवन से जो हेड थे इसरो के उनसे कहा कि अब हमें एक लोकेशन चाहिए इस सेटलाइट प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी लोकेशन हमें चाहिए थी तो अब प्रोफेसर यू आर राव जो थे उन्होंने दो लोकेशन यहाँ पर सजेस्ट की थी एक अभी तक क्योंकि काम जो था वो केरला में चलता था तो अभी उन्होंने दो जो लोकेशन सामने रखी उनका नाम था एक बैगलोर था और एक हैदराबाद था ये दोनों ही लोकेशन इसरो के चेयरमैन को वो बताते हैं और इसरो के चेयरमैन ने उनसे कहा कि आपके पास सिर्फ एक हफ्ते का समय है आपको फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं बचा है हमें स्क्रैच से काम शुरू करना है हम जो साइंटिस्ट हैं रिसर्चर्स हैं इंजीनियर्स हैं वो पहली बार एक सेटेलाइट मिशन के लिए तैयारी करेंगे उसको बनाएंगे तो हमें टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है फाइनली डिसीजन ले लिया जाता है यू राव के द्वारा कि बैंगलौर में बैंगलोर के पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया में हम इस काम को शुरू करेंगे हम अपनी पहली सैटेलाइट को बनाना शुरू करेंगे पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर चार शेड्स के जो साइट थी चार शेड्स थे ऐसे अलग अलग उस 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 जगह पे उस साइट को बनाया जाता है जो एक शेड था उसका जो एरिया होता था वो करीबन पाँच हज़ार स्क्वायर फीट था ऐसे चार शेड्स को लेकर वहाँ पे पूरा उस एरिया को तैयार किया गया जहाँ पे सेटेलाइट को हम बनाने वाले थे लेकिन जैसे ही अब एक और ये जो खबर ये जो थी कि अब बेंगलौर में जाके इसको शिफ्ट किया जा रहा है केरला से तो अब जब ये खबर फैलती है तो यहाँ पर केरला के जो नेता थे जो वहाँ की सरकार थी उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया केरला की सरकारों ने ये कहा कि क्योंकि उनको लग रहा था कि सारी जो सरकारी नौकरियाँ इसके बाद वो सीधा बेंगलौर चली जाएंगी तो यहाँ पे इसका विरोध करने लगते हैं वो लोग भरपूर यहाँ पे विरोध किया लेकिन उसके बाद सदन में आ जो इंदिरा गांधी थी उनकी सरकार ने यहाँ पे सदन में बातचीत की आश्वासन दिया ये केरला की सरकार को कि सैटेलाइट का जब काम पूरा हो जाएगा एक बार सेटेलाइट का जब काम पूरा हो गया उसके बाद में वापस से तुम्बा के अंदर दोबारा से ये जो पूरी टीम है वो लौट जाएगी और दोबारा से जो सर जो नौकरियां हैं जो आपके एक तरह से आपको लग रहा है कि नौकरियां चली जाएंगी और काफ़ी और दिक्कतें आ सकती हैं ये ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे पूरी तरह से केरला सरकार को आश्वासन दिया गया इसके बाद ये लोग राज़ी हो जाते हैं लेकिन फिर भी जो विरोध था वो इस तरह का था कि कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि ज़रूरी थे जिन्हें ले जाना था इस पूरी टीम को बेंगलोर शिफ्ट करना था उन्हें केरला से नहीं ले जाने दिया गया लेकिन इसके बाद सतीश धवन जी की मदद से यू एस से माफ़ कीजिएगा विदेश से सोवियत यूनियन के आ, मदद से यहाँ पे उन उपकरणों को उन इंस्ट्रूमेंट्स को दोबारा से खरीदा गया उसके बाद में बेंगलोर में काम शुरू किया गया सतीश धवन जी भी ये मानते थे कि बेंगलोर में काम करना इसलिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर वेल्डिंग आदि के लिए हमें कई सारे टेक्नीशियंस मिल जाएंगे सामान मिलना आसान हो जाएगा तो इसके लिए सेटेलाइट के आ, काम के लिए हमें बहुत सी सुविधाएं वहां पे मिल सकती हैं तो बेंगलोर को इसलिए यहां पे चुन लिया जाता है काम शुरू हुआ दिन रात कड़ी मेहनत की हमारे इंजीनियर्स ने इसरो के हमारे जो रिसर्चर्स थे जिनको चुना गया था अहमदाबाद रिसर्च जो फिज़िक्स लेबो रिसर्च लेबोरेटरी पी आर एल थी वहाँ से तो इन लोगों की टीम ने युवा राव की टीम ने कड़ी मेहनत की दिन रात तो और इसके बाद में एक घटना भी ऐसी बताते हैं क्योंकि सभी लोग जो थे वो जीरो से शून्य से शुरुआत कर रहे थे तो उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था कोई सेटेलाइट बनाने का तो सेटेलाइट बनाने के लिए एक ऐसा इंसिडेंट भी बताया जाता है कि एक बार एक लोकल दुकान से एक आसपास की ही दुकान से एल्यूमिनियम खरीद लिया गया था एल्यूमिनियम खरीद लिया गया क्योंकि ये तो पता नहीं था कि स्पेस में एल्यूमिनियम ठहर पाएगा या नहीं तो इसके लिए टीम के जो लोग थे वो अचानक से आई की जो लेबोरेटरी थी वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर जाके किताबें छानते हैं कि किताबें खंगालते हैं और किताबों में से फिर उन्होंने ये देखा उसके बाद जानकारी निकाली कि वैक्यूम में एल्यूमिनियम जो है वो डिग्रेड होता है लेकिन सिर्फ कुछ माइक्रोन्स का लेकिन इससे ये बात साफ़ हो गई कि लोकल एल्यूमिनियम जो है उससे भी काम यहाँ पे हो सकता है तो कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि इन्हें पहली बार इन लोगों को पता चल रही थी हमारे रिसर्चर्स को साइंटिस्ट को इंजीनियर्स को कई सारी और चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना था युवा राव जो खुद से बताते हैं उन्होंने अपनी किताब भी लिखी थी उसमें भी उन्होंने बताया था उन्होंने बताया कि टेम्परेचर चेंजेस का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ा टेक्नोलॉजीज़ के लिए ऑर्बिटल पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ा और सबसे बड़ी चीज़ जो थी जो एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने था वो था थर्मल कंट्रोल सिस्टम्स एक मैसिव कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके लिए रशिया से मॉस्को से वहाँ से भी रिसर्चर्स से बातचीत की गई फाइनली दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद में एक 360 किलोग्राम की 26 साइडेड पॉलीगोन स्ट्रक्चर की सेटेलाइट जिसके जिसका जो डायमीटर था वो था 1.4 पॉइंट मीटर्स एक 1.4 पॉइंट मीटर की सेटेलाइट को बनाया जाता है जिसमें एक्सरे एस्ट्रोनॉमी एरोनॉमी और सोलर फिजिक्स पर जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने होंगे स्पेस में उसके लिए तीन पेलोड्स लगाए गए और इन तीन पेलोड्स को जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टी आई और फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद पी के इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको यहाँ पे लगाया गया था ये सारे इंस्ट्रूमेंट लगा कर पेलोड्स लगा कर एक सैटेलाइट को तैयार कर दिया जाता है और ये थी भारत की पहली सैटेलाइट जिसको अब फाइनली तैयार कर लिया गया था हमारी सेटेलाइट जो थी वो उन्नीस सौ करीबन इन दो सालों के बीच में बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी तारीख पहले रखी गई थी उन्नीस सौ चौहत्तर में आ, लेकिन इस समय पर ये जो तारीख थी इसके लिए कई सारी बातें बताई जाती हैं कि केजीबी का एक तरह से डर था कई और सिक्योरिटी एजेंसीज का विदेशों की डर था यू से भी थोड़ा हमें जो ख़तरा था वो था महसूस हो रहा था तो इसकी वजह से ये जो डेट थी इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है आगे बढ़ा दिया जाता है उन्नीस से ये डेट बढ़ा के कर दी जाती है अप्रैल उन्नीस सौ पचहत्तर अप्रैल का महीना तारीख अभी भी डिसाइड करना बाकी था लेकिन अब जब यहाँ पे 1975 अप्रैल का जो महीना आ चुका था बताया जाता है कि एक महीने पहले मार्च के महीने में 1975 में सेटेलाइट पूरी तरह से बनकर जो तैयार हो चुकी थी हमारी अभी भी उसका नाम नहीं रखा गया था समझ में आता है वैज्ञानिकों को कोई हमने सेटेलाइट तो बना बनाई लेकिन अब इसका नाम क्या रखेंगे क्योंकि सभी लोग पहली बार काम कर रहे थे तो एक जो हिरार की है जो स्ट्रक्चर होना चाहिए किसी काम का प्रोसेस होना चाहिए वो हमें नहीं पता था तो यहाँ पे अब इसका नाम जो था उसको डिसाइड करने की बात आती है सहमति जो होती वो नाम पे वो आखिरी पीएम की तरफ से होनी थी यानी पीएम थी इंदिरा गांधी उनको सहमति देनी थी तो तीन उनको ऑप्शन दिए जाते हैं कि तीन नाम यहाँ पे हमने सिलेक्ट किए हैं पहला नाम है मैत्री मैत्री इसका नाम रखा जाए जिसमें भारत और सोवियत संघ की जो सोवियत यूनियन की दोस्ती है उसको ये यहाँ पे डेडिकेट करेगा दूसरा नाम यहाँ पे रखा बताया गया कि आर्यभट्ट इसका नाम रखा जा सकता है जो भारत के इतिहास के महान एस्ट्रोनॉमर रहे हैं मैथमेटिशियन रहे हैं आर्यभट्ट उनके नाम पर रखा जाए और तीसरा नाम बताया गया था जवाहर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर सबको ये लग रहा था कि जो इंदिरा गांधी हैं वो जवाहर नाम को चूज करेंगी उसको सिलेक्ट करेंगी क्योंकि इनको स्पार को भी बनाने में जो इसरो बाद में बना है तो सबसे पहले जो इनको स्पार बनाया गया था उसको बनाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी जवाहरलाल नेहरू की लेकिन स्वाभाविक कारणों से इंदिरा गांधी उसको चुनेंगी ऐसा सबको लग रहा था ऐसा पर हुआ नहीं इंदिरा गांधी ने यहाँ पे नाम चुना आर्यभट्ट और इसी के साथ हमारी पहली सैटेलाइट को हमारा पहली सैटेलाइट को एक नाम मिलता है आर्यभट्ट ये हमारी थी आर्यभट्ट सेटेलाइट जिसको अब हम लॉन्च करने वाले थे एक महीने बाद अप्रैल नाइनटीन में इसके बाद जो तारीख चुनी गई वो थी उन्नीस अप्रैल नाइनटीन सेवेंटी अप्रैल नाइनटीन रशिया के वोल्गो ग्रेड के पास में एक कप्युस्टिन यार कॉस्मोड्रोम नाम से एक जगह है वहाँ पर इस आर्यभर्ट सेटेलाइट को लॉन्च किया जाना था यू आर राव जो थे वो सतीश धवन के साथ में भारत के कई और वैज्ञानिक के साथ में बताते हैं कि तीस करीबन ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके साथ में ये लोग मॉस्को पहुंच जाते हैं रशिया पहुंच जाते हैं बेंगलोर के जो यहाँ पे भारत में ग्राउंड स्टेशन था वहाँ पे भी इसरो के सारे वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगा हुआ था कई सारे लोग इसमें वेट कर रहे थे दोपहर के बारह बजे से यहाँ पर उन्नीस अप्रैल 1975 को काउंटडाउन शुरू होता है टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन और जब तक ये वन पे पहुंचता है उसके बाद एक आवाज़ आती है पोए काली पोए काली ये जो टर्म है इसको यू हर बार अपने लॉन्च के पहले इस फ्रेस को यूज़ करता था इसका इस्तेमाल करता था और इसका अर्थ होता है इसका मतलब होता है लेट अस गो तो यहाँ पे जैसे ये इस फ्रेज का उच्चारण होता है इसको बोला जाता है अंतरिक्ष में दरअसल यात्रा करने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन तो यूरी गैग्रन जो थे उन्होंने अपनी यात्रा को शुरुआत में इस फेस का इस्तेमाल किया था पोएकाली का तो तब से ये एक तरह से आ, कहा जाए कि चलन बन चुका था कि जब हर बार स्पेस प्रोग्राम जो एक लॉन्च करना होता था तो उसके पहले यहाँ पे यू एस इस टर्म को यूज़ करता था तो जैसे ही ये टर्म बोला जाता है ये हमारी जो सेटेलाइट थी उसको यहाँ से मॉस्को से लॉन्च कर दिया जाता है अब यहाँ से जब ये लॉन्च हुई करीबन बारह मिनट के बाद में जो रॉकेट था वो अपनी यात्रा के जो लास्ट पड़ाव पर पहुँचा आखिरी पड़ाव पर पहुँचा और धरती से करीबन 600 किलोमीटर दूर ऊंचाई में ये जब कक्ष में एंट अपना जो ऊपरी पार्ट था लेयर थी उसमें एंटर कर रहा था आर्यभट्ट की तरफ से जब उसको उसने स्थापित कर दिया तो आर्यभट्ट की तरफ से पहला सिग्नल मिलता है पहला सिग्नल मिला और जैसे ये पहला सिग्नल वहाँ पर कॉस्मोड्रोम में घसपिटन जो याद यार्ड था दो वहाँ पर जब ये पहला सिग्नल मिलता है आर्यभट्ट का यहाँ पे हमारे भारत के सारे वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं यू आर राव जो थे उनकी आंखों में आंसू आ गए उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को अपने साइंटिस्ट को गले से लगा लिया और भारत इसी पल के साथ में इसी क्षण के साथ में अपने स्पेस प्रोग्राम अपने स्पेस एज में पहला कदम रख चुका था हमारी पहली सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी थी तो भारत यहाँ पर अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च कर चुका था आर्यभट्ट इसी के साथ जो इसके आर्किटेक्ट कहे जाते हैं यू आर राव उदुपी रामचंद्र राव उन्हें यहाँ पे एक आर्यभट्ट की हिस्टोरिक लॉन्च के बाद में भारत में पहला डायरेक्टर बनाया जाता है इसरो सैटेलाइट सेंटर आईसेक का इसके साथ ही उन वो यू आर राव जो हैं वो करीबन भारत के शुरुआती जो 18 ऐसी सैटेलाइट लॉन्चेस थी जो सैटेलाइट थी इंक्लूडिंग जिसमें भास्कर वन और टू भी इंक्लूड थे एप्पल इनसेट और आपके इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट ऐसे अठारह अलग अलग जो प्रोग्राम्स थे उनके लिए हमेशा नेतृत्व उनका रहा उन्होंने हमेशा भारत की स्पेस प्रोग्राम में अपना बढ़ चढ़कर नेतृत्व किया 1984 में यू आर राव जो थे उन्हें सतीश धवन के बाद इसरो का चीफ़ बनाया जाता है इसरो का हेड बनाया जाता है चेयरमैन बनते हैं इसरो के और सेक्रेटरी बनते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के और उन्हीं के लीडरशिप में भारत ने सक्सेसफुली ए रॉकेट को लॉन्च किया पी फुली ऑपरेशनल पी लॉन्च व्हीकल को बनाया तो ये सारी चीज़ें यूआर राव के नेतृत्व में भारत के स्पेस प्रोग्राम्स ने की हैं इसरो ने की है इसी के बाद बता दें आपको कि इसरो में ऐसा कोई भी एक भी प्लेनिट्री मिशन नहीं रहा जिसमें उनका विजन ना रहा हो यू राव को विज़न ना रहा हो तो एक ऐसी शख्सियत भारत की इसके साथ ही कई सारे उनके ऐसे विजन्स थे कई सारे ये जो प्रोग्राम्स थे स्पेस प्रोग्राम उनका नॉर्मल जीवन पर आम इंसान के जीवन पर कितना उसको बेहतर बनाने का प्रभाव पड़ा है आप ये देखिए इस बात से आप इसका जो उदाहरण है उसके कई वो इस बात से आप इसका आकलन कर सकते हैं कि भारत में जो फसलें हैं उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए उसका आकलन करने के लिए कि किस फसल में कीड़े लग रहे हैं कहाँ पे जो फसल है वो हेल्दी है स्वस्थ है साथ में जो महामारी है डिजीज होती हैं उनकी भविष्यवाणी करने के लिए उनको देखने के लिए जो हिमालय श्रृंखला है जो हमारी हिमालयन रेंज है उसको मैं उसमें जो बर्फ के पिघलने की जो सीमा है उसको निर्धारित करने के लिए साथ में मछुआरों को समुद्र में मछली पकड़ने के लिए सर्वोत्तम क्षेत्रों का जो एक तरह से पता लगाने के लिए ऐसी कई सारी उदाहरण हैं जो इसमें मदद यहाँ से की गई आ, जो हमारे आई आई आर एस के जो स्पेस प्रोग्राम्स थे उससे मदद की गई और साथ ही साथ में आ, एक क्रांति लाने में भारत के आम जीवन के अंदर यहाँ पे यू आर राव का एक बड़ा योगदान रहा है यू आर राव आपको बता दें भारत के अकेले और पहले ऐसे शख्स थे जिन्हें सोसाइटी ऑफ सैटेलाइट प्रोफेशनल्स इंटरनेशनल में जो 2013 में वाशिंगटन के अंदर प्रिस्टीजियस सैटेलाइट हॉल ऑफ फेम का जो एक समारोह था उसमें बुलाया गया था तो ये अकेले पहले ऐसे शख्स थे जिन्हें भारत से बुलाया गया साथ ही साथ उन्हें यहाँ पे भारत में 1976 में पद्म भूषण दिया गया और 19 आ ना और 2017 जनवरी के अंदर हाल ही में पद्म विभूषण से नवाजा गया था तो ये भारत के ऐसे रत्न जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको ये भी बता दें कि युवा राव जो थे दो जुलाई चौबीस को उनका निधन हो गया भारत के एक बहुत ही शानदार व्यक्ति शहानदार शानदार शख्सियत स्पेस प्रोग्राम्स में विक्रम सारा और सतीश धवन और बाकी जितने होमी डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा इन सब के साथ में उनका नाम आज गिना जाता है और वो इतने ज़्यादा वर्कोहलिक थे इतने ज़्यादा अपने काम के प्रति एक तरह से कहा जाए कि काम को पूरा करने के लिए और काम के प्रति इतना उनका लगाव था कि बताते हैं दिल्ली के अंदर अंतरिक्ष भवन में जो उनका आखिरी एक तरह से ऑफिस था जब वो एक्टिव थे अपनी डेथ के पहले बताया जाता है कि चौबीस जुलाई दो जब उनकी मृत्यु हुई है उसके दो हफ्ते पहले तक वो ऑफिस में यहाँ पे मिलते थे वो ऑफिस में यहाँ पे रहते थे तो ऐसी शख्सियत को हमारा सलाम है यू आर राव आपको नाम याद रखना चाहिए हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए उदूपी रामचंद्र राव द सेटेलाइट मैन ऑफ इंडिया तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड। काफ़ी रिसर्च के बाद में आपके लिए एपिसोड लेकर आए थे उम्मीद आपको पसंद आया होगा आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं हमारी इस सीरीज़ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको पूरी प्ले का लिंक मिल जाएगा कई सारे ऐसे एपिसोड्स हम आपके लेकर आते रहते हैं साथ ही साथ में आपको कुछ और लिंक्स मिलेंगे जो कि हमारे कोर्सेज़ के हैं अगर आप यू की तैयारी कर रहे हैं एक बार जाके जरूर देखिएगा वीजे लाइव जो कोड है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको वहाँ पे लगाना है बहुत ही बड़ा डिस्काउंट पाएंगे अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे और बाकी कोई भी आपके सवाल होते हैं आपको कुछ बातचीत करनी है आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं मिलेंगे आप अगले एपिसोड में तब तक ले दीजिए इजाज़ नमस्कार धन्यवाद जय हिंद स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल